वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब. अब की जो डिस्कशन है हमारी बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और मैं चाहूंगी कि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो इस डिस्कशन में जरूर पार्टिसिपेट करें. कॉल करके हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा. आज हम बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से बात करेंगे. बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत सारे केसेस में ग्रूमिंग की जरूरत होती है. बच्चों को टैकल कैसे करना है, उनकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग पे किस तरह से आपको वर्क करना है और उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. हमें ज्वाइन किया है अशफा कामरान ने जो कि चाइल्ड काउंसलर भी हैं. वेलकम टू द शो अशफा. थैंक यू सो मच. अच्छा अशफा, मैं आगाज डिस्कशन की करूँ कि हम बच्चों के ग्रूमिंग की बात करते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक बच्चे को अच्छे तरीके से ग्रूम करने के लिए. क्या क्या फैक्टर्स जरूरी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हम ना बच्चों को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं और पेरेंट्स जो है ना वो अपने आइडियाज़ को एक बहुत फर्म हो गए हैं कि जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है. तो मेरे ख्याल है हमारे यहाँ जो एजुकेशन है ना बोथ एंड्स पेरेंट्स हम सिर्फ पेरेंटिंग या ग्रूमिंग को ना माँ बाप की हद तक सोच रहे हैं जबकि ये हमारे स्कूल्स का भी एक बहुत बड़ा अलमी है कि वो बच्चों को सोचने नहीं दे रहे, रीजनिंग नहीं करने दे रहे, मतलब बच्चों को सवाल करने का हमने आदत नहीं डाली और हम उसको एक कल्चर में ना एक बदतमीजी वो करते हैं. ये बदतमीजी हाँ। वो करते हैं अगर वो कोई सवाल करे तो हम समझते हैं कि हमारे आगे खड़ा हो रहा है या उस बच्चे को हम फिर ये चीज़ें ना हमारे यहाँ. अब देखें जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि हम जब सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा होगा तो हम एक इमेज बना लेते हैं अपने जहन में कि जब मेरा बेटा होगा तो मैं ये होगा, मैं ये करूँगा एंड देन वी फॉलो दैट. तो मेरे ख्याल है ग्रूमिंग सिर्फ माँ बाप का काम नहीं है, वो एक माहौल भी बनता है, एनवायरनमेंट है, आपका स्कूल. और माहौल प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और बहुत सारे लोग हैं जिसमें देखें सिर्फ माँ बाप नहीं है, उनकी नानी दादी पूरा एक माहौल है. उस चीज से बच्चा निकलता जब वो उसकी ट्रेनिंग आप कर देते हैं सवाल करना पूछना. और मैं समझती हूँ जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना, जो यंग पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए कहूँगी कि उनके लिए बच्चों को पालना थोड़ा सा मुश्किल है. तो आजकल के दौर में आप ना अपने जो जो टेक्नोलॉजी ने एक माँ बाप का वो पार्ट ले लिया है ना, वो बहुत जो टाइम हमारे बच्चे हमारे साथ गुजारते थे अब वो बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ उनमें वो एक फीलिंग्स नहीं आ रही, वो एक सोच नहीं आ रही, एक माँ बाप के से बात करना, टीचर से बात करना. आई थिंक ये सबसे पहले हमें उस टेक्नोलॉजी को तो देखें हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें. हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए और बच्चे सिर्फ वालदैन के साथ हो, नहीं. आई थिंक वी हैव टू मॉडरेट और हमें जेल करना पड़ेगा पेरेंट्स और टेक्नोलॉजी को. लवली. अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है जहांजेब अहमद खान ने जो कि काउंसलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. वेलकम टू द शो जहांजेब. कैसे हैं? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा जहांजेब, अभी हम बच्चों की नफ्सियात पे, उनकी ग्रूमिंग पे बात कर रहे हैं और उसके लिए अभी जैसे अशफा भी कह रही थी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप किस तरफ से डिस्कशन का आगाज करें? देखिए बच्चों की ग्रूमिंग के लिए सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ आप कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन का लेवल आपका प्रॉपर हो. एक चीज जो देखने में आती है वो ये है कि जो पेरेंट और जो चाइल्ड कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है और वो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है. उसके ऊपर एट एनी पॉइंट इन टाइम पेरेंट्स को समझना पड़ेगा बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि छोटी एज में तो ठीक है पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, जिसको हम अपनी एक बेसिक मिसाल में ये कहते हैं कि जब बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखता तब भी माँ उसकी बात समझ रही होती है. लेकिन एक सर्टन एज में आके जब वो अपनी टीन्स में आता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस बात को समझना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी बात नहीं समझ रहे. पर उस एज में भी पेरेंट्स ही को समझना है क्योंकि उनके ज़िंदगी के तजर्बात और हैं और अभी बच्चा उन तजर्बात से गुजरा ही नहीं है. सो कम्युनिकेशन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे को अंडरस्टैंड उसकी सराउंडिंग्स के एतबार से करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी पे आप उसको ग्रूम कर सकते हैं, उन्हीं लाइंस के ऊपर फिर उसकी इम्प्रूवमेंट भी डिपेंड करती है. अगर आप उसकी सराउंडिंग्स को नहीं देखेंगे, उसकी सिचुएशंस को नहीं देखेंगे, उसके सर्कमस्टांसिस को नहीं समझेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ लैक कर रही होंगी चीज़ें जो वो उसके अंदर लॉन्गर रन मसाइल पैदा होंगे. सो अंडरस्टैंडिंग इज़ द की एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ द की. ग्रूमिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला रवैया रखें, लेकिन उस दोस्ती वाले रवैये के साथ साथ एक पर्दा भी रहना चाहिए, एक तकद्दुस भी रहना चाहिए. उस इक्विलिब्रियम को तक पहुंचना और उस इक्विलिब्रियम को हासिल करना की फैक्टर है.
अच्छा नाज़िब, समटाइम्स जैसे आप कम्युनिकेशन की बात करें, बहुत सारे केसेस में कम्युनिकेशन होता है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं होता, जिसकी वजह से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें छुपाने लग जाते हैं, कोई कुछ करने लग जाता है, और फिर जब किसी एक्टिविटी में पेरेंट्स उनको इन्वॉल्व देखते हैं तो वो अंडरस्टैंड करने की या उसको वहाँ से लाने की बजाय मजीद उस पर कुछ बाउंड और कुछ ऐसी चीज़ें, एलिगेशन वगैरह और सारे मामला तो एक नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को टैकल कर एक ही तरीके से आप टैकल नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहता कि जी हमेशा पेरेंट्स को अपने सॉफ्ट साइड पे होना चाहिए, थोड़ा सा रोब भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, एक इम्तिजाज होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, लेकिन देखने की ज़रूरत यह है कि आप उसको डील किस लेवल के ऊपर कर रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। अगर तो बच्चा किसी भी जिसको आप नेगेटिव एक्टिविटी के अंदर इंडल्जेंस की बात करते हैं उसके इनिशियल स्टेजेस पे है, तो उस वक्त पे आप थोड़ा सा समझा के थोड़ा सा डांट के तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास्ता बात बढ़ गई है तो फिर उस वक्त पे सख्ती अक्रॉस द बोर्ड नहीं काम आती। उधर अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द किड, व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी भी चीज़ को ख़त्म करवाने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको टेपर ऑफ करवाइए, तो उस चीज़ को टेपर ऑफ करने के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडीली बच्चे के साथ बच्चे को ईजी करना पड़ेगा, बच्चे को कंफर्टेबल करना पड़ेगा, और फिर किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में अगर वो है एक्स वाई जी कोई भी एक्टिविटी है उससे निकालने में उसका साथी बनना पड़ेगा, उसको एक ये एहसास दिलवाना पड़ेगा कि वो अकेला नहीं है, एक एहसास ये दिलवाना पड़ेगा कि जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि पहले उसको नहीं समझ आएगी, और उसको ये एहसास कोई भी दोस्त दिलवा सकता है, जैसे किसी भी दोस्त की वजह से वो किसी भी एक्टिविटी में पड़ा, इसी तरह किसी भी दोस्त के साथ ही रह के वो किसी भी एक्टिविटी से निकल सकता है। सो इसको समझना जरूरी है। ठीक हो गया अशफा, मैं आपकी जानिब आऊंगी। अच्छा, अभी हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं लेकिन चूंकि आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स एज अ पेरेंट भी आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आपने बहुत सारी सिचुएशंस को टैकल करना है, एक जनरेशन गैप तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आप अपने क्राइटेरिया पर अपने बच्चों को जज कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन में क्या आप टिप्स दें? बिल्कुल, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि अब मुश्किल हो गया है, जैसे द टाइम, हमारा जो टाइम था ना उसमें हमारे माँ बाप के लिए हम लोगों को समझाना बहुत आसान था, बट एट दिस पॉइंट जब मैं समझती हूँ ये जो जनरेशन है हम पेरेंट्स के लिए, मैं सर से एग्री करूँगी कि हमारा कम्युनिकेशन गैप है जो हमारे वालदैन के साथ नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक बीच में गैप नहीं था टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए, हम पांच लोग बैठेंगे, पांच के पांच लोग अपने फ़ोन पे, सो हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं है, गैप है बहुत ज़्यादा। दूसरा जो एक बहुत मेरे ख्याल है वालदैन के लिए मैं कहूँगी कि हमें भी, जैसे इन्होंने कहा कि हमें अपने आप को बदलना है, हम उस तरह चाह रहे हैं जैसे हमारे वालदैन ने हमें पाला था, नहीं वैसे बहुत मुश्किल है। मतलब मैं, तो बच्चे मिनट मिनट पे उठ के सवाल करते हैं, छोटे से बच्चे, और उनके सवालों के आप जवाब दीजिए, और एक तो सवाल के जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो बच्चा इस वक्त लाहौर में है वो वही सोच रहा है जो शिकागो में एक बच्चा सोच रहा है, ठीक है, वो बच्चा जो लंदन में सोच रहा है, लेकिन हम जब थे, मैं अगर कराची में या पेशावर में या लाहौर में जो सोच रही थी वो मैं यही सोच रही थी, मेरी वो सोच नहीं थी जो बाहर के मुल्कों में थी। तो आज का बच्चा जो है ना वो ये नहीं सोच रहा कि वो लाहौर में रह रहा है, वो समझे वो ग्लोबली, वो एक ग्लोबल चाइल्ड है, तो आपको उसको एज ए ग्लोबल चाइल्ड लेना होगा। सो मैं ये समझती हूँ कि अभी मैं बहुत यूनिवर्सिटीज में भी जाती हूँ बिकॉज आई एम माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर, तो मेरा जो जाती ख्याल है मैं वहां जाके भी कहती हूँ कि एक ना पेरेंट का और बच्चों का गैप बढ़ गया है, यूनिवर्सिटीज या हमारे स्कूल जो कर रहे हैं ना हमारे वालदैन को नहीं पता, तो वालदैन सिर्फ ये करें आप ट्यूशन, आज वो जो आपका और बच्चे का वक्त है ना वो आपने बच्चों को किसमें डाल दिया, बच्चा स्कूल से आया रात 10 बजे तक आपने अपना टाइम एक ट्यूटर को दे दिया, वो ट्यूटर होता है सॉरी वो टीचर नहीं होता, नहीं होता। सो अब वही ट्यूटरिंग जो आपको करनी थी, अब उस ट्यूटर का क्या एटीट्यूड है, वो किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें ना, हम जैसे थे कि हम ना, मैं समझती हूँ इस वक्त मुल्क जो है ना वो इल्म की बजाय डिग्री की तरफ चला गया। अब आप देखें कौमी सतह पर, अब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी जनरेशन जो है वो ड्रग्स और इन चीज़ों में होगी, जो शायद कभी भी इन चीज़ों को ऑन एयर या ऑन ओपनली डिस्कस नहीं होता, अब तो देखें ये कौमी सतह पर क्रैकडाउन हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में,
तो मेरा ये ذاتی ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने से पहले एक्चुअली ये गैप जो बिकॉज मैं एक रिमीडियल एक्सपर्ट भी हूँ, मैं लर्निंग प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ डील करती हूँ, वो बच्चों के डील प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एडल्ट्स में आते हैं. हम सिर्फ बच्चों बच्चों में ना खेलते रहते हैं कि ग्रूमिंग बच्चों की होती है. और जो सेकेंडली अशफा जो बच्चों में इनिशियली एक चीज आ जाए उसको फिर पूरी जिंदगी लग जाती है ठीक करने में, क्योंकि वो इतनी पुख्ता हो चुकी होती है, चाहे वो आदत है चाहे वो ग्रूमिंग के हवाले से कोई लैग करी है चीज, हर फैक्टर जो है वो एज एन एडल्ट भी उनको फेस. और एक और चीज है, मैं वालदैन के लिए खासतौर पर कहूंगी क्योंकि मैं खुद उस सेक्टर से हूँ जहाँ पे बच्चों को समझाना आजकल, और आप दोनों की उम्रों जितने मेरे बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है. और मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा टैकल करना क्योंकि आई थिंक ऑन देयर पेज. और उसमें एक बहुत जो चीज़ है ना, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड. एक हमारे वालदैन में ये बहुत बड़ा, ये हमारे ना इस खित्ते खित्ते में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि फलां को देखो, हम अपने एक माँ होके अपने ही बच्चे को अपने ही बच्चे से कंपेयर कर रही है. ये देखो ये बहुत लायक है, ये खुद पढ़ता है, ये करता है, और हम ये सोचे बगैर कि एक बच्चा सिगरेट पी रहा है, एक बच्चा सिगरेट पी रहा है, देखो कितना अच्छा बच्चा, मेरा बच्चा मेरा कहना मानता है. सो बेसिकली हम इन्वायरमेंट अपने घरों से खराब कर रहे हैं. और वही चीज हम अपने इदारों में, मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट एज एन एंटरप्रेन्योर मैं समझती हूँ इट्स अ नेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. लेकिन हमने उनको, क्योंकि वालदैन ने एक वो सोच लिया कि मेरे वालिद ने ना मुझे कहा था मगरिब की अजान पे घर आना, मेरे वालिद, एंड यू नो, अब मैं अपने बच्चे को ये नहीं कह सकती कि मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था, मेरे वालिद ने मुझे ये कहा, मेरी माँ ने मुझे कहा, मेरी नानी मुझे ये कहती थी. मैं खुद नानी और दादी हूँ. अब मैं अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये कहूँ क्योंकि मेरी नानी मुझे एक प्यासा कौवा की कहानी सुनाती थी, तो मैं भी आज उसको यहाँ पे ना हम जो वालदैन है वो एक समझ रहे हैं कि ये हमारे यहाँ ना एक वालदैन का रोल है, जैसे उन्होंने कहा. नहीं, जब सब चीजें बन गई है ना तो हमें वालदैन को भी थोड़ा जेल होना पड़ेगा, वालदैन की उससे निकल के ना एक दोस्त के नाम पे आना पड़ेगा. और वो अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो मतलब उनमें ना कॉन्फिडेंस दें. ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल एक हिजाब है वालदैन का, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन बच्चों में कॉन्फिडेंस भी देना कि देखें कभी कभी वालदैन भी तो इंसान है ना, गलती पे हो सकते हैं. तो अगर आपने अपने बच्चे को इतना यकीन दिलाया कि तुम हर दफा सही हो, तो वो शायद हमारी भी रहनुमाई कर सकें कि नहीं आपकी ये सोच है लेकिन ये चीज बदली. तो मेरे ख्याल में चाहे वो देखें आज एक उस्ताद है या एक माँ है, टीचर्स भी तो पेरेंट्स है ना, क्योंकि वही वो माइंड सेट के साथ घर से स्कूल आ रहे हैं या टीचर्स आ रहे हैं. अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है कि मैं जितनी यूनिवर्सिटीज में गई, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर आज के वालदैन ट्यूटर्स ट्यूटरिंग छोड़ दें इस मुल्क में, पेरेंटिंग शुरू हो जाए, तो देखें अब बहुत से मसाइल हो जाए. क्योंकि अब हमारे माशरे में पेरेंट और ट्यूटर की लड़ाई में जो बच्चा है ना वो सफर करे. हमारे टाइम पे जो भी था ना वो पेरेंट्स थे, देयर वाज नो ट्यूटर आई थिंक. अच्छा जानजीब, अभी अशफा ने बात की दोस्ती की, तो दोस्ती बनाने के लिए आपको उनके पेज से सोचना पड़ता है, जैसे अभी आप मेंशन कर रही थी, पर उस पेज पे बहुत कम पेरेंट्स आते हैं और अंडरस्टैंड भी बहुत कम पेरेंट्स करते हैं. देखिए, एक किताब है विच उसका टाइटल ये है कि द डिसकनेक्टेड जनरेशन. जैसे मैम ने बात की कि लाहौर का बच्चा भी वही सोच रहा है जो शिकागो का बच्चा सोच रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है. अब ग्लोबल जेनरेशन हैं और ये डिसकनेक्टेड जेनरेशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है, जहाँ पे एक लेवल का एक डिसकनेक्ट है विद द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी एंड विद द यूथ ऑफ द सोसाइटी. तो और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कह रही हूँ, डिसकनेक्ट एंड डायरेक्शनलेस. तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने कुछ जिंदगी के तजुर्बात से ही लेनी है. तो उसमें समझने की जरूरत यह है कि हर एज का, हर एज ब्रैकेट का अपनी रिस्पेक्ट होती है. आप अगर किसी बच्चे को 10 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में एक तरीके से ट्रीट करते थे, तो उसको आप 22-25 साल की उम्र में वैसे ट्रीट नहीं करेंगे. आपको उस एज को, उस टाइम को वो रिस्पेक्ट देनी है, वो ज़रूरी है उसके लिए. और दूसरी बात ये, हज़रत अली का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि अपनी आने वाली नस्ल को उस तरह मत उठाओ जिस तरह तुम्हें उठाया गया था, क्योंकि वो एक और अहद के लिए पैदा किए गए हैं,
तुम एक और अहद के लिए पैदा किए गए थे. सो द थिंग इज़ कि हमें बदलते हुए टाइम के साथ, बदलते हुए लम्हात के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा कि चीज़ें किस सिम्त में जा रही हैं. अगर तो आप उनको उसी तरीके से, जैसे गधे घोड़े को अगर आप एक ही तरीके से हाँकेंगे, एक ही लाठी से हाँकेंगे, तो रिज़ल्ट आपको कोई ख़ास नहीं मिलेगा. वेयरएज आपको समझना पड़ेगा दैट दिस इज़ अ डिफरेंट जनरेशन, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, दे हैव अ डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न, इनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं. एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारे एल्डर्स हैं, ये उनकी तरफ से आता है प्रॉब्लम, बिकॉज आई काउंसिल पीपल एज वेल. तो उसमें एक चीज़ समझ आई मुझे कि मसला, मेरा मसला तो मेरा मसला है अगर मैं बड़ा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का मसला मसला नहीं है. मेरी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं उनके साथ डील कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे के तो मसाइल वो हैं ही नहीं. वेयरएज़ आपको उसके एंड पे भी देखना पड़ेगा कि उसकी एज के एतबार से वो बहुत बड़े मसाइल हैं, वो शायद उनका मैग्नीट्यूड उतना ही उसी लेवल का है जिस लेवल का आपका है. आपके प्रॉब्लम्स कुछ मैक्रो लेवल के हैं, लेकिन जाहिर है आपकी एज, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी सिचुएशंस उस तरह से हैं, और आपको उनको कोप करने का तरीका उसी तरह से आता है. मैं एक बात और कहूँगी कि वो जो मैक्रो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, बेसिकली वही प्रॉब्लम्स माइक्रो लेवल पे बस बच्चा देख रहा है, देख रहा है, और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट. उसका कोई हल नहीं निकाल रहे, आप नहीं निकाल रहे हल एज वालिद, ठीक है, या वालदैन. तो वो बच्चा ये देख रहा है कि ये नहीं निकलूं, मैं नहीं निकल सकता, यू नो. सो मैं एक छोटी सी, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, मेरे ये बिल्कुल, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी ये बात कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है. आज आप मुल्क में देखें, अवामी से नेशनल लेवल पे आप कहते हैं 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो 3 करोड़, हम हर वक्त कह रहे होते हैं, मैं 3 साल 5 साल से पिछली हुकूमतों में या हर में सुनूँ 5 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ बच्चे, लेकिन आप ये सोचें कि ये 3 करोड़ लोग जब एडल्ट होंगे, जब बड़े होंगे, तो वो लोग क्या बनेंगे, ठीक है. उन्हीं लोगों में आपका पढ़ा हुआ बच्चा उठे बैठेगा, ठीक है. सो आपको एक और भी चीज़ जो मैं फील कर रही हूँ वो ये कि आप पढ़ा रहे हैं, आपका, जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, अपने वालिद को, उन्होंने कहा, उन्होंने सोच लिया कि मैंने डॉक्टर बनना था, और मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जाना था, वो नहीं जा सके, वो नहीं डॉक्टर बन सके. अब मेरा एक भाई है, उसको उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बना, किंग एडवर्ड से नहीं पढ़ा, मैं अब इसको बनाऊंगा, इसको मैंने डॉक्टर बनाना. सो यू नो ही वाज, उन्होंने उसके ऊपर जिस किस्म के वो किए, मैं वक्त के साथ साथ देखती थी कि उसमें, लेकिन उन्होंने उसको पहुंचा दिया. जब वो पहुंचा तो उसके बाद ना ही वाज रिलैक्स्ड. सो मैं ऐसे बहुत से वालदैन को समझती हूँ कि अब वो शायद डॉक्टर बनना ही ना चाह रहा, लेकिन आपने उसको बना दिया. आपने तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का ना यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फिर अब का बच्चा जो है ना, वो तो हो गया, हम बन गए, हम हमारी उम्र में ना हम खामोशी से बन जाते हैं. आपके बच्चे नहीं बन रहे, तो आपके बच्चे क्या करें, वो आपको रिटेलिएट करके ड्रग्स में चले गए. इस वक्त पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के ऊपर जितना रेट स्किज़ोफ्रेनिया, जितना एंजाइटी, जितना स्ट्रेस बढ़ गया, वो मेरे ख्याल है हम वालदैन की वजह से. ठीक हो गया. अच्छा, आज मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मुझे 2 कॉलर्स लेने. फौजिया हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. मेरा अशबा से ये सवाल है कि जब बच्चों को हम डांटते हैं या उनको किसी चीज से रोकते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फौजिया. मिसेस वसीम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अर्मिला कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी. मिसेस वसीम क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये पेरेंट्स जो है, एज ए पेरेंट हमें ये चीज जो है ना वो मान लेनी चाहिए कि हमें और हमारे बच्चों में एक जनरेशन गैप है, और वो जो बच्चों को हम मॉडर्न चीजें और वो लेटेस्ट फोन पास है वो हमारे पास नहीं थी. तो हम बच्चों को ये चीज को माने कि वो हमारे से आगे हैं, सही. और ये कि बच्चों के साथ दोस्ती का रवैया रखा जाए थोड़ा सा. मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है जी जी. और मेरी बेटियां स्कूल से जब आती हैं, मेरी उनके साथ इतनी फ्रेंडशिप है कि जब तक वो स्कूल के हर बात, दोस्त कोई अच्छी बुरी, अगर किसी बच्चे ने कोई बुरी बात भी कही, जब तक वो मुझसे डिस्कस नहीं कर लेती. ठीक हो गया. वो नहीं मतलब ये शेयर करती, दोस्ती होनी चाहिए. थैंक यू वही मिस्टर वसीम, चूंकि हमारे पास टाइम कम है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जहांजेब. अब मैं चूंकि आप दोनों से एक मैसेज लेना चाहूंगी, कॉलर की बात का जवाब और साथ में मैसेज कंबाइन करके आप हमारे देखने वाले. उनका सवाल था कि गुस्सा रिटेलिएशन, देखिए वो उसी वक्त पे आपको, आप उसके साथ डील कर सकते हैं.
جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کے ساتھ پرابلمس کیا ہیں, اور ان کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ ایک کمیونیکیٹیو لیول بہت اچھا ہے, آپ کے اس کے ساتھ دوستی ہے اور آپ کو اس کے پرابلمس کی سمجھ آ رہی ہے. تو اور اس وقت جو یوتھ کے ساتھ پرابلمس ہیں وہ دو ہیں, بہت امپورٹنٹ مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا صحیح طریقے سے. ایک ہے آپ کے ریلیشن شپ پرابلمس, جو آپ کے پیرنٹس کے ساتھ یا کسی بھی ریلیشن شپ کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک ڈس انٹیگریشن ہے. دوسرا اسٹریس ہے, اسٹریس لیول رائز کر رہا ہے اور بہت تیزی سے رائز کر رہا ہے. اس کی مثالیں ہمیں یونیورسٹیز کی خبروں میں پتہ لگتی رہتی ہیں, مختلف معاملات میں پتہ لگتی رہتی ہیں. سو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیویجول جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, اور اس کو آئسولیشن سے نکالنے کے لیے سب میں امپورٹنٹ اور جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہیومن ٹو ہیومن جو آپ کی کمیونیکیشن ہے اور ریلیٹیوٹی ہے اس سے شناسائی دلوائیں. کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا تو دور ہے, اور میں ٹیکنالوجی کو بالکل بھی کسی پوائنٹ پہ بھی برا نہیں کہتا. یہ ایک ڈیوائس ہے جس کو استعمال کرنا ہمارے ہاتھ میں, ہاں گائیڈ کرنا, گروم کرنا, ان کو سمجھانا بھی ہمارے ہی ہاتھ میں, اور اس کمفرٹ لیول کو کریٹ کرنا یہ ایک امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی ہے. جلدی سے اشفا ایک میسج ہمارے دیکھنے والوں کو دیتے ہیں. بس میں یہی کہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے, ہم مان جائیں کہ ہمارے بچے ہم سے تھوڑا آگے ہیں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مطلب یہ ہم ماں باپ ہیں اور وہ ہمیں ماں باپ سمجھتے ہیں. میرے خیال ہے اس سے نا ہمیں, جب ہم ایکسیپٹ کریں گے نا کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں اور ہم ان سے کیوں نہ سیکھ لیں جیسے ہم نے اپنے والدین سے سیکھا, تو اس جنریشن میں ہمیں کچھ اپنے بچوں سے سیکھنا ہوگا. میرے خیال ہے ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں سکھاؤ, تو میرے خیال میں جو پرابلمس ہمارے ارد گرد ہیں, جیسے بھی انہوں نے بھی کہا کہ میرے بچے کو غصہ چڑھ رہا ہے, تو میرے خیال ہے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں خود بخود. اور اس کو ایک اور میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ایک لیٹسٹ ریسرچ ہے جو کہ ویسٹ میں ہوئی آن مائس. انہوں نے یہ کیا کہ اندازہ لگایا, ایک انہوں نے ایک سچویشن بنائی, اور اس کے اندر اس سچویشن کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک جنریشن جب ان ہرڈلز تک پہنچتی ہے تو جو اگلی جنریشن ہے وہ آئیڈینٹیکلی جس پوائنٹ پہ پچھلی جنریشن آف مائس نے چھوڑا تھا اس سے آگے سٹارٹ کرتی ہے, وچ مینس کہ اگلی آنے والی جنریشن آپ ہی کی ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. جناب بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.